हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग पे। और आज है थर्सडे और अभी बज रहे शाम के 4:45 और मैंने अभी अभी ब्लॉग शुरू किया है। मैं बस जाऊंगी, थोड़ा रूम से बाहर निकलूंगी क्योंकि मैं सुबह से ऑफिस का काम कर रही थी, फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट लिया, मैंने थक गई थी, मैं थोड़ा पावर नैप लिया काइंड ऑफ 10 मिनट्स आफ्टर काम वाम के बाद। अभी मैं रूम से बाहर निकलूंगी, पानी पीऊंगी 1 लीटर और फिर देखती हूँ मम्मी क्या कर रही है, सिस्टर क्या कर रही है। सिस्टर का नाइट शिफ्ट होता है तो वो जनरली इस टाइम पे सो रही होती है या फिर उठ गई होती है, तो मैं देखती हूँ वो उठी कि नहीं उठी। और मम्मी तो उठी हुई होगी तो मैं जाके उनसे मिलती हूँ, देखती हूँ वो क्या कर रही है। मोस्टली वो किचन में ही रहती है तो होपफुली अभी वो किचन में ही होंगी। तो चलिए आइए देखते हैं। तो आज है थर्सडे का दिन साईं बाबा का, तो यहाँ पे हमने दीप जला दी है साईं बाबा के लिए। हॉट डोंट टच। तो आप सभी को मैं यहाँ से दीप दिखा रही हूँ, मैं आशीर्वाद ले लीजिए साईं बाबा का। ओम साई राम। एवरी थर्सडे मैं पहले फास्टिंग वगैरह करती थी बट अभी मैंने बीच में छोड़ दिया है। बोलते हैं कि लगातार फास्टिंग नहीं करनी चाहिए, बीच बीच में गैप वक्त छोड़ना चाहिए, तो अभी मैंने छोड़ा हुआ है। फिर मैं कुछ टाइम बाद फिर से मैं स्टार्ट करूँगी। बट साईं बाबा तो हमेशा ही मैं मानती हूँ और बहुत चमत्कार भी किया है उन्होंने हमारे लाइफ में, सबके लाइफ में, जितने भी रिलेटिव्स हैं, फैमिली है, बहुत उनका उपकार है हमारे लाइफ में। मेरी मम्मी YouTube में व्लॉग्स वगैरह बनाती है खाने पीने का, तो वो अभी YouTube के लिए ही वीडियो बना रही है। चलिए आकर देखते हैं कि वो अभी क्या रेसिपी बना रही है और कितना टाइम है उनको पूरा कंप्लीट करने में। आज क्या बन रहा है? आज फालूदा बना रही हूँ मैं। क्या फालूदा? बुला रही क्या? उसमें है रेसिपी, बनने वाला है, बन गया? नहीं बना नहीं है, मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ। अच्छा, रेस्ट कर रही हूँ। रेडी हुए? हाँ, बन गए। ठीक है, बनने के बाद फिर मैं फोटो दिखाऊंगी। ये महाराजा जी, व्हाट आर यू हैविंग? ग्रेप्स? क्या चीज़ दिस? हाँ, क्या चीज़? व्हाट? चीज़ दिस? अच्छू अच्छू। ओह, यू हैविंग अच्छू अच्छू। उसे खांसी हो रही है ग्रेप्स खा के, वही बता रहा है कि अच्छू अच्छू। आजकल आप वॉक पे नहीं जा रही है? नहीं, मैंने छोड़ दिया है। जब से तुम आई तब से मैंने छोड़ दिया, क्योंकि बच्चे के साथ मेरा टाइम पास हो जाता है। ऐसा लग रहा है कि कोई इंटरव्यू के लिए बैठी है ना? हाँ, थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ। मैं तो अभी किचन से आई हूँ और अभी थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ, इसके बाद मैं बनाऊंगी। जनरली हम इस टाइम पे मूवी वगैरह देखते हैं बट आज मम्मी कुछ रेसिपी नया बना रही है, तो इसीलिए अभी मम्मी किचन में बिजी है, उसके बाद शायद हम कोई मूवी वूवी देखेंगे। मैं अभी आई हूँ क्योंकि मैं अपनी सिस्टर का वेट कर रही हूँ, वो अभी तक निकल ही नहीं रही है। वो गई थी फ्रेश होने के लिए पर पता नहीं उसने रूम लॉक करके रखा है, अभी तक वो निकली नहीं है। पता नहीं, मतलब मुझे समझ में नहीं आता इतना देर तक लोग करते क्या है। अच्छा, आई थिंक वो अभी निकली है, उसकी आवाज़ आ रही है तो मैं आपको मिलवाती हूँ। तो जनरली लोग इतने देर तक करते क्या है, मैं सोचती हूँ। हाँ, हस्बैंड्स लोग का मैंने देखा है कि वो 45 मिनट्स से लेकर के 1 आवर तक बाथरूम में ही रहते हैं, तो मोबाइल रील्स देखते रहेंगे वो सब, बट लड़कियाँ क्या करती है देखते हैं। वो मासी आ गई है और मासी और क्या है भतीजा, मासी और भतीजा में गेम शुरू। हेलो गाइस, आप लोगों ने क्या हीरा मंडी मूवी देख ली है? अगर देखी है तो उसमें जो आलम जेब है उसकी एक्टिंग आपको कैसी लगी, आप प्लीज़ कमेंट करना। क्योंकि मेरे को सही में, मतलब मैं ऐसे सोच रही थी कि उसको मेन एक्ट्रेस लाइक मनीषा की बेटी क्यों बनाया गया। मनीषा कोराला जो इतनी अच्छी, इतनी एक्सपीरियंस एक्ट्रेस है, उसकी बेटी क्यों बनाया गया? लेकिन बाद में मुझे पता चला कि हाँ भाई, वो संजय लीला भंसाली की आई थिंक नीस है, वो उसके मामा है, जो मुझे पहले नहीं पता था, मेरी एक फ्रेंड ने बताया। फिर कहीं से मुझे फिर हवा उड़ के आई कि नहीं नहीं, ये एक र्यूमर है, ऐसा कुछ नहीं है। बाद में फिर मुझे पता चला कि नहीं नहीं है, एक्चुअल में वो उसकी नीस है। तो
उसकी वजह से उसने संजय लीला ने उसको रखा है उस मूवी में, बट सही में उसकी एक्टिंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। आप लोग बताना आपको कैसी एक्टिंग, क्योंकि वहाँ पे जितनी लड़कियाँ हैं वो इतनी खूबसूरत लग रही हैं और इतना अच्छा एक्टिंग है, बट सिर्फ उसका ऐसा लग रहा है कि मतलब कोई एक्सप्रेशंस नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल भी कुछ मतलब पता ही नहीं चल रहा है। वो रो रही है तब भी सेम एक्सप्रेशंस, वो हंस रही है तब भी रो रही है तब भी ऐसे ही, और आंसू गिर जा रहे हैं। तो मतलब पता नहीं उसने, जबकि उसने बोला है कि संजय लीला ने उसको बहुत ट्रेनिंग दी है, उसने एक साल पूरा प्रैक्टिस किया है इस रोल में आने के लिए, और उसके बावजूद इस तरह का अगर उसने एक्टिंग किया है सो डेफिनेटली पता नहीं, मतलब मुझे तो समझ में नहीं आया उसने क्या किया है, क्या मेहनत किया है। और बाकी एक्ट्रेस भी मैं देख रही थी उसकी, जितने भी रील्स वगैरह आ रहे हैं बाकी सारी एक्ट्रेस भी उसका मजाक ही उड़ा रहे हैं, एंड जैसे सोनाक्षी और बाकी लोग हैं अदिति वगैरह, दे आर नॉट हैप्पी विथ हर। ऑब्वियसली वो किसी के साथ भी होगा क्योंकि जो टैलेंट है उसको आगे नहीं किया गया, और जस्ट बिकॉज नेपोटिज्म बोले या जो भी बोले, रिलेशन था संजय लीला भंसाली के साथ उसका, इसलिए उसको मेन रोल दिया गया है। बट मैं पूरी तरह से गलत भी नहीं बोल सकती, वो उसका फैमिली का मैटर है, उस वो ऑब्वियसली अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देगा, प्रेफरेंस देगा रादर देन अदर किसी भी एक्ट्रेस को। तो बट जो भी है, मेरा डाउट सही में मुझे तो लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इसको मेन एक्ट्रेस कैसे दे दिया वो, तो बाद में मुझे पता चला अच्छा ये रीज़न है, फिर मैं समझी कि हाँ अब मुझे समझ आया कि इसी वजह से, अदरवाइज तो ना उसमें टैलेंट है, ना वो डांस कर पा रही है, ना चल पा रही है, कुछ भी नहीं। और उसके बाद एक और मूवी जो मैंने अभी देखी लापता, उसमें जितनी लेडीज है सारे लोगों ने बहुत अच्छा एक्टिंग किया, बहुत अच्छा, मतलब मज़ा आ गया। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है वो मूवी, पक्का देखो आप, मतलब लड़कियों के लिए भी वुमेंस का भी रिस्पेक्ट किया है, उनकी मजबूरियों को, उनके स्टोरीज का सब कुछ बताया। तो मुझे तो मतलब ऐसी है ना कि आप बैठोगे तो बैठ के पूरा मूवी देखना है, ऐसा नहीं कि थोड़ा उठ गया है ये वो, तो बीच में कुछ इधर उधर हो जाएगा आपको, फिर वो समझ नहीं आएगा कि कहाँ से क्या रिलेट कर रही है मूवी, वो समझ नहीं आएगा। तो आप जब भी बैठोगे वो पूरी मूवी देख के फिर उठना। बट आई वुड से बहुत अच्छी मूवी बनाई है, बहुत अच्छी है, बहुत मज़ा आया मुझे देख के। लड़कियों के लिए भी रिस्पेक्ट है, मतलब आदमियों का भी दिखाया है कि हाउ दे ट्रीट वुमेंस वेरी रिस्पेक्टफुली, मतलब हर तरफ से हर चीज़ें दिखाया है कि लड़कियों को पढ़ी लिखी होना भी बहुत ज़रूरी है, इवन घर के जो कामकाज है वो भी सीखना वो भी बहुत काम आता है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो बट आप किसी चीज़ में कोई तो गुण है आप में, तो वो भी आपके लिए बहुत यूज़फुल होता है। तो मतलब ओवरऑल बहुत अच्छी मूवी है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देखो जाके, और अगर आप ऑलरेडी देख चुके हैं तो मुझे बताना आपको कैसा लगा, मुझे ये फीडबैक ज़रूर देना कमेंट में अपना रिव्यूज़ कि आपको कौन सी मूवी ज़्यादा अच्छी लगी, हीरा मंडी या फिर लापता। मैं अगर बोलूँ तो मुझे हीरा मंडी भी अच्छी लगी, बट इट वॉज सीरीज़, मतलब सीरीज़ था, और ये है एक मूवी लापता, तो लापता तो मुझे बहुत अच्छी लगी, और हीरा मंडी भी मैं बोलूँगी अच्छी ही लगी मुझे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि बकवास है एंड ऑल, बट अच्छी लगी, और लड़कियों में तो बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, हर कोई इसमें रील बनाता हुआ दिख रहा है, तो बहुत बढ़िया, दोनों ही बहुत बढ़िया। अगर नहीं देखे हो आप तो अभी जा कर के नेटफ्लिक्स में देखो, बहुत मज़ा आएगा।